मेरे प्रिय कैडेट्स, आप सभी को छठी कक्षा में स्वागत है। जैसे कि हम लगातार जो है हिंदी वल्लरी से एक से लेकर पांच अध्यायों का हमने विस्तृत अध्ययन किया है, तो उसी के अंतर्गत आगे आने वाले जो भी अध्याय हैं वो किसी न की कहीं ना कहीं संज्ञा और सर्वनाम से जुड़े होते हैं। ठीक है, ये व्याकरण भाग में आता है। व्याकरण जो है इससे सीखने से जो है आपको हिंदी पढ़ने में और बात करने में जो है वार्तालाप कहते हैं उसे, कोई दिक्कत नहीं आएगी। और व्याकरण जो होता है बहुत ही सटीक ढंग से जो है वाक्यों को या आप किस संदर्भ में बात कर रहे हैं, सही उच्चारण हो या सही वाक्यों का प्रयोग हो, आप कर सकते हैं। इससे जो है लिंग वचन में कोई बदलाव नहीं आएगा, और जब भी आप बात करते समय सही व्याकरण दृष्टि से बात करने से आपको जो है आपकी भाषा जो है प्रभावशाली हो सकती है। इसके अंतर्गत हमने पिछले वीडियो में देखा कि संज्ञा किसे कहते हैं और संज्ञा के कितने प्रकार हैं, उसको हमने विस्तृत अध्ययन किया। उसके बाद आता है सर्वनाम यानी प्रनाउन। नाउन यानी ना संज्ञा है, प्रनाउन यानी नाउन के बदले में प्रयोग होने वाले, ठीक है, उसे हम सर्वनाम कहते हैं। तो चलिए, तो अब हम क्या करेंगे, सर्वनाम के बारे में अध्ययन करेंगे। ठीक है, तो आपने संज्ञा का जो है दो वीडियो मैंने आपको लिंक जो है भेजा था, यानी आपने वेबसाइट में चेक किया होगा उसे। यदि आपने अच्छे से पढ़ा है तो सर्वनाम पढ़ने में कोई आपको दिक्कत नहीं आ सकती। ठीक है, तो चलिए, सर्वनाम को जानना है तो पहले हम परिभाषा को देखते हैं, किस प्रकार परिभाषा होती है। डेफिनेशन कहते हैं हम, देखिए, जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होते हैं उन्हें सर्वनाम कहते हैं। संज्ञा यानी क्या था, किसी वस्तु, स्थल, नाम, ठीक है, ये सभी जो है उसको प्रयुक्त तो होने वाले शब्द को हम क्या कहते हैं, संज्ञा। तो संज्ञा के बदले में यानी स्थान पर जो है यह सर्वनाम का प्रयोग किया जाता है। जैसे देखिए, मोहन उठता है, मोहन ब्रश करता है, मोहन जो है कपड़े पहनता है, मोहन स्कूल चला जाता है, मोहन स्कूल में पढ़ता है, मोहन वहाँ पर अच्छे से अध्यापकों को बात करता है, मोहन सबसे होशियार है, ये बार बार मोहन जो है आप प्रयोग नहीं कर सकते। प्रयोग करने से जो है यह जो आप एक टिप्पणी लिख रहे हैं उसमें आपको उतना अच्छा नहीं लगता है, इसीलिए सर्वनाम मोहन के बजाय हम क्या करेंगे, वह, यानी ये सर्वनाम का जो है मोहन के स्थान पर जो है, या संज्ञा कहते हैं मोहन स्थान पर प्रयोग करते हैं। ठीक है, यानी उसके स्थान पर हम, वह खेलता है, वह अध्यापकों से बात करता है, वह वापस आता है, ऐसे हम संज्ञा के बदले में प्रयोग करते हैं। तो यह जो है आपका जो बात करने का शैली है वो बहुत ही आकर्षक हो जाता है। तो देखिए, जैसे उदाहरण है यहाँ पर संज्ञा के, सर्वनाम के, तुम, वह, हमारा, वे, उसका, उसकी, यहाँ, वहाँ, कहाँ, किधर इत्यादि जो है ये सर्वनाम के उदाहरण हैं। तो परिभाषा हमने अच्छी तरह से आपने समझा है, तो अब हम इसके प्रकार के ओर बढ़ेंगे। सर्वनाम के कुल मिलाकर पांच प्रकार हैं। तो पहला प्रकार है व्यक्तिवाचक या पुरुषवाचक भी कहते हैं उसे, यानी पर्सनल प्रनाउन जो है अंग्रेजी में कहते हैं। तो दूसरा है निश्चयवाचक सर्वनाम यानी डेमोन्स्ट्रेटिव प्रनाउन। तो तीसरा है अनिश्चयवाचक सर्वनाम, इनडेफिनेट प्रनाउन हम कहते हैं। उसके बाद चौथा है
संबंधवाचक यानी सर्वनाम रिलेटिव प्रनाउन। उसके बाद पांचवा है प्रश्नवाचक यानी इंटरोगेटिव प्रनाउन, यानी यहाँ पर प्रश्न को दर्शाया जाता है उसे हम प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। तो ये पांच प्रकारों को आप समझ चुके हैं, तो एक एक करके हम जो है इनका गहराई में जो है अध्ययन करेंगे। तो पहला प्रकार है पुरुषवाचक सर्वनाम। तो देखिए ये मुख्य तीन प्रकार के होते हैं, यानी पहला प्रकार है सर्वनाम का पुरुषवाचक सर्वनाम, इसमें और तीन प्रकार यानी होते हैं, ठीक है, थ्री टाइप्स ऑफ पर्सनल प्रोनाउन। तो देखिए तीन कौन कौन से हैं, प्रथम पुरुष, द्वितीय पुरुष, तृतीय पुरुष, यानी फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन, थर्ड पर्सन, ऐसे तीन प्रकार जो हैं पहले प्रकार के अंतर्गत आते हैं। तो देखेंगे सविस्तार रूप से इसका अध्ययन करेंगे अभी। तो देखिए प्रथम पुरुष ने फर्स्ट पर्सन, इसे उत्तम पुरुष के रूप में भी जानते हैं। तो देखिए कभी कभी प्रथम पुरुष दिया जाता है, कभी कभी उत्तम पुरुष भी दिया जाता है, इसे हम क्या कहेंगे, फर्स्ट पर्सन ही कहेंगे। तो देखिए इसे व्याख्या किस प्रकार होगी, प्रथम पुरुष यानी वक्ता जब स्वयं के लिए जो शब्द प्रयोग करता है उसे हम प्रथम पुरुष कहते हैं। उदाहरण से हम समझेंगे तो आपको समझ में आएगा, मैं गा रहा हूं, आई एम सिंगिंग। तो देखिए स्वयं के लिए वक्ता जो है यानी बोलने वाला स्वयं के लिए प्रयोग कर रहा है, मैं गा रहा हूं। उसी प्रकार मैंने कविता लिखी है, तो कौन लिखे है यहाँ पर, स्वयं, यानी जो वक्ता है स्वयं अपने 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 के लिए जो शब्द अपनाता है वही प्रथम पुरुष कहलाता है, ठीक है। आई रोट अ पोएम। उसके बाद देखिए हमारा घर दिल्ली में है, यानी हमारा यानी वो अपने आप के बारे में बता रहा है, ठीक है, आवर हाउस इज इन दिल्ली। उसके बाद देखिए हम मुंबई जाने वाले हैं, ठीक है, हम यानी वो अपने बारे में यहाँ पर प्रथम पुरुष यानी वक्ता जो है अपनी स्वयं के लिए जो शब्द प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पर देखिए कैडेट्स, मैं हमारा हम ये सब जो है ये प्रथम पुरुष के अंतर्गत आते हैं, स्वयं के लिए जो शब्द प्रयोग करते हैं वो प्रथम पुरुष यानी फर्स्ट पर्सन में आते हैं, वी आर गोइंग टू मुंबई, ठीक है। तो ये प्रथम पुरुष आपको समझ में आया, तो हम जाएंगे दूसरा प्रकार जो है द्वितीय पुरुष या मध्यम पुरुष भी कहा जाता है इसे, सेकेंड पर्सन। तो यह क्या है, वक्ता दूसरे व्यक्ति के लिए जो शब्द का प्रयोग करता है उसे हम द्वितीय पुरुष या मध्यम पुरुष कहते हैं। उदाहरण देखेंगे यहाँ पर, तेरा, यूवर्स, आप, यू, के वचन और बहुवचन दोनों के लिए प्रयोग होता है। तो उदाहरण से हम समझ सकेंगे, तो देखिए यहाँ पर तुम मेरे साथ आओगे, तुम जो है यानी जो आप वक्ता यानी आप बता रहे हैं किसे, दूसरे व्यक्ति को, इसीलिए सेकेंड पर्सन इसे कहा जाता है, तुम मेरे साथ आओगे, विल यू कम विथ मी, ठीक है, ऐसे अंग्रेजी में होता है, तुम्हारा नाम क्या है। यहाँ पर आप दूसरे वक्ता जो है, वक्ता यानी बोलने वाला जो सुनने वाले को, जो सुनने वाले के लिए शब्द प्रयोग करता है उसे हम द्वितीय पुरुष कहते हैं। समझ में आया आपको, जो आप दूसरे यानी बोलते समय दूसरे व्यक्ति की जो सुन रहा है उसके लिए प्रयोग करते हैं ना, वो हम द्वितीय पुरुष में या सेकेंड पर्सन कहते हैं। तुम्हारा नाम क्या है, आप कहाँ जा रहे हैं, ये सब जो है ये दूसरे व्यक्ति को सुनने वाले को कहते हैं उसे हम द्वितीय पुरुष कहते हैं। तो ये द्वितीय पुरुष आपको समझ में आया है, तो हम अभी जो तीसरा प्रकार है अन्य पुरुष या तृतीय पुरुष, थर्ड पर्सन, उसकी ओर जाएंगे। इसमें इसकी व्याख्या क्या होगा, श्रोता जो वक्ता श्रोता के लिए भी नहीं किसी अन्य व्यक्ति के लिए, यानी जो बोलने वाला और सुनने वाला के अलावा तीसरे व्यक्ति के लिए जो आप प्रयोग करते हैं उसे हम तृतीय पुरुष या अन्य पुरुष कहते हैं। तो देखिए यहाँ पर क्या है, तो किस तरह हम यहाँ पर जो है उदाहरण देखते हुए हमें समझ में आएगा, आज उसकी परीक्षा है, तो
बात कर रहे हैं हम दोनों, तो किसके लिए? तीसरे पर्सन के लिए या अन्य पर्सन के लिए, ठीक है? तो देखिए, टुडे इज हिज और हर एग्जाम, ठीक है? इसमें आप यहाँ पर वक्ता यानी बोलने वाला और सुनने वाला के अलावा तीसरे व्यक्ति के लिए यह वाक्य प्रयोग हो रहा है, ठीक है? वो बाजार गए हैं, वो यानी कौन है? यहाँ पर कोई अन्य, आप हाथ करके दिखाते हैं, वो जो है अन्य पुरुष हो जाते हैं। यदि आप दोनों मित्र बात कर रहे हैं, कोई तीसरा आ जाता है वहां पर, सपोज आप वहां पर कोई रथ लेकर चला जा रहा है, तो उसे आप जो बात करते हैं आपके मित्र के साथ, देखिए वो रथ लेकर चले जा रहे हैं, तो क्या है ये? क्या होगा ये? अन्य पुरुष यानी थर्ड पर्सन के लिए होगा। प्रथम यानी आपके लिए, द्वितीय यानी जो आपका सुनता रहता है सामने जो व्यक्ति होता है उसके लिए, और थर्ड यानी इन दोनों के अलावा जो तीसरा व्यक्ति को आप जो शब्द प्रयोग करते हैं वही तृतीय पुरुष होता है। तो चलिए आगे है दूसरा प्रकार। पहले प्रकार में तीन प्रकार थे, और ये जो पहले प्रकार में तीन प्रकार आपको उसके सब जो तीन प्रकार हैं वो समझ में आया है, तो हम दूसरे प्रकार की ओर बढ़ते हैं। तो दूसरा है संकेत वाचक, इसे हम निश्चय वाचक भी कहते हैं, डेमोन्स्ट्रेशन प्रोनाउन। तो देखिए इसकी परिभाषा क्या है, ये शब्द किसी की ओर इशारा करते प्रतीत होते हैं, किसी की ओर इशारा करते हुए प्रतीत होते हैं, या निश्चितता को बताते हैं, उसे हम निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। यानी ये निश्चय डेफिनेट ही नहीं, डेफिनेट होता है कि ये उसका ही वस्तु या कोई भी प्रतीत हो, उसे आइडेंटिफाई करने के लिए जो है सही होता है। जैसे उदाहरण देखें, यह यानी दिस, ही सी इट आदि, ठीक है? वो यानी दैट, ही सी इट, ठीक है? ये देयर, वे यानी दोज, ठीक है? तो इस तरह तो वाक्य में प्रयोग देखिए किस प्रकार होता है, वो उसका घर है, यानी वह, आप वो के बजाय वह भी प्रयोग कर सकते हैं, तो ठीक है? वह घर, वह उसका घर है, यानी निश्चित ही उसका ही घर है, दैट इज हिज और हर हाउस, यानी वहां पर आपको निश्चितता बता रहा है कि उसका ही घर है, दूसरों का घर नहीं है। यह पुस्तक मेरी नहीं है, यहाँ पर निश्चित बता रहा है कि यह पुस्तक उसकी नहीं है, ठीक है? दिस बुक इज नॉट माइन, दिस इज नॉट माई बुक, दोनों वाक्य हो सकते हैं अंग्रेजी में। तो देखिए आगे है, वे कल जाएंगे, यानी यहाँ पर निश्चय है कि वो कल ही जाएंगे, ठीक है? यहाँ पर आपको क्या दिखाई दे रहा है? निश्चितता जो है दिखाई दे रहा है। आप और भी उदाहरण बता सकते हैं, यह मेरा कलम है, यानी यह आपका ही है, इसीलिए आप निश्चितता से बता रहे हैं कि यह मेरा कलम है, यह मेरी किताब है, इस तरह जो है ये निश्चितता को प्रकट करते हैं, ठीक है? इसे आप अच्छी तरह से संकेत या निश्चयवाचक को समझ लिया है, तो हम तीसरी प्रकार की ओर बढ़ते हैं। तीसरा प्रकार है अनिश्चय वाचक सर्वनाम। तो देखिए इनडेफिनेट प्रनाम, यानी यहाँ पर डेफिनेट कोई नहीं रहता है, निश्चय तो कोई नहीं होता है, बात को आप निश्चितता को दर्शाया नहीं जाता है, जैसे अनिश्चितता के बारे में बताता है, इंडिकेट जनरल राइदर देन पर्टिकुलर पीपल एंड थिंग्स, ठीक है? तो देखिए यहाँ पर निश्चितता को कोई बताता नहीं, यहाँ पर शब्द देखिए उसके, कोई, समवन, कुछ, समथिंग, कुछ भी एनीथिंग, सब कुछ एवरीथिंग, सब लोग एवरीवन आदि जो हैं ये अनिश्चित, यानी यहाँ पर आपको निश्चित बात पता नहीं चलती है, कितना चाहिए, कोई आया तो कौन आया है, एक व्यक्ति आया, दो व्यक्ति, ऐसे नहीं, आपको पता नहीं चलता। उदाहरण से हम पता लगाएं, कुछ भी चलेगा, एनीथिंग विल डू। देखिए हम कुछ भी चलेगा, इसका मतलब है यहाँ पर जो है निश्चित, क्या चलेगा पता नहीं, लेकिन सब कुछ चलेगा, इसका मतलब यहाँ पर निश्चित बात को नहीं दर्शाता है। कोई जा रहा है, कोई जा रहा है, यहाँ पर निश्चितता बता रहा है कि मोहन ही जा रहा है, तो वो निश्चित होगा, लेकिन यहाँ कोई जा रहा है, कोई जो शब्द है ये
अनिश्चयवाचक सर्वनाम है, कोई जो शब्द है। तो यहां पर आपको निश्चितता बता रहा है कि कौन है व्यक्ति, देखा नहीं, कोई तो जा रहा है, ठीक है, कोई जा रहा है। उसके बाद कुछ करना होगा, क्या करना होगा, कुछ जो है क्या, कितना करना है, समथिंग मस्ट बी डन। तो देखिए यहां पर कुछ जो शब्द है उससे आपको निश्चितता जो है पता नहीं चल रहा है, इसीलिए कुछ, कोई, कुछ, सब लोग जाएंगे। तो सब लोग जाएंगे, सब जो है कितने लोग, उसमें निश्चितता नहीं है कि 10 ही लोग जाएंगे, 15 लोग जाएंगे, सब लोग जाएंगे, कितने हैं पता नहीं, इसीलिए इसमें निश्चितता जो है पता नहीं चलता, इसीलिए यह अनिश्चयवाचक सर्वनाम के उदाहरण है। तो आपको अनिश्चय के साथ साथ अनिश्चयवाचक के प्रकार जो है समझ में आए, तो हम चौथे प्रकार की ओर बढ़ेंगे, जिसका जो चौथा प्रकार है संबंधवाचक सर्वनाम, रिलेटिव प्रनाउन, संबंध, यहाँ पर संबंध को जोड़ते हैं। ये शब्द यानी वे शब्द जो दो लोगों, शब्दों या वस्तुओं के बीच संबंध बताते हैं, यानी लोगों के बीच, शब्दों के बीच या वस्तुओं के बीच जो संबंध जोड़ता है उसे हम क्या कहते हैं, संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। दीज वर्ड्स गिवन द रिलेशन बिटवीन पीपल, वर्ड्स और थिंग्स, इसे हम क्या कहते हैं, संबंधवाचक कहते हैं। जैसे देखिए, जो, हु, जिसकी, हुज, जैसा, लाइक, ये सब जो है संबंधवाचक के उदाहरण है। तो देखेंगे, आगे बढ़ेंगे, उदाहरण से आपको पता चलेगा, उसके जैसा कोई नहीं है, किसके जैसा, जैसा जो है, ये शब्द जो है सर्वनाम, ये किसके अंतर्गत आता है, संबंध, जैसे उसके साथ जोड़ रहे हैं, ठीक है। देयर इज नो लाइक हिम। आगे देखिए, जो कल आएगा उसको देना, जो कल आएगा उसको देना। द वन हु कम्स टुमारो गिव इट हिम, ठीक है। तो इस तरह जो कल आएगा उसको देना। तो आपको समझ में आया होगा कि यहाँ पर संबंधवाचक जो है जोड़ रहे हैं, जो, जिसकी, जैसा, जो है, जैसा है, ये शब्द जो है ये संज्ञा के बदले में प्रयुक्त हो रहे हैं, उसके बदले में जो है प्रयोग हो रहे हैं, और ये उसके अंतर्गत संबंध को जोड़ रहे हैं, इसीलिए संबंधवाचक सर्वनाम बन जाता है। तो ये आपको संबंधवाचक सर्वनाम समझ में आया, तो हम अंतिम जो है प्रश्नवाचक सर्वनाम को देखेंगे। प्रश्नवाचक सर्वनाम यानी यहाँ पर प्रश्न पूछे जाते हैं, ठीक है, ये शब्द प्रश्न के बारे में बताते हैं। तो इसे हम क्या कहते हैं, जो शब्द प्रश्न पूछने के लिए सहायता करते हैं उसे हम प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। दीज वर्ड शोज आस्क क्वेश्चन अबाउट पीपल एंड थिंग्स, ठीक है। तो देखिए, उदाहरण से आपको पता चलेगा किस तरह प्रश्नवाचक होते हैं। जैसे देखिए, दरवाजे पर कौन है, कौन, ये शब्द जो है ये प्रश्नवाचक सर्वनाम का शब्द है, कौन, दरवाजे पर कौन है, ठीक है, उसे पता नहीं है कौन है, तो ये प्रश्न यहाँ पर पूछने के लिए प्रयोग होता है, कौन, क्या, ठीक है, ये सब। तो अगला है, बेटा क्या पाठ याद कर लिया, क्या जो शब्द है ये जो है प्रश्नवाचक सर्वनाम कहलाता है, क्या, ठीक है। तो देखिए, कौन, क्या, ये सब जो है ये प्रश्नवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आते हैं। तो कैडेट्स, आज हमने जो है सर्वनाम किसे कहते हैं, यानी संज्ञा के बदले में प्रयुक्त होने वाले शब्दों को हम सर्वनाम कहते हैं। सर्वनाम के कितने प्रकार होते हैं, कुल मिलाकर पांच प्रकार हैं। पहला है व्यक्तिवाचक या पुरुषवाचक, दूसरा है निश्चयवाचक, तीसरा है अनिश्चितवाचक, और चौथा है संबंधवाचक, पांचवा है प्रश्नवाचक। तो इस तरह हमने समग्र अध्ययन किया। इसके आप क्या करना है, हर एक जो पांच प्रकार हैं उसके पांच पांच उदाहरण आपको अपने नोटबुक में गृह कार्य के रूप में लिखना है, ठीक है। इस ग्रामर को एक अलग 200 पेजेस किया है, तो 100 जो है लास्ट में पार्ट बनाकर
ये जो भी व्याकरण पढ़ा है उसे लिख लीजिए, और गृह कार्य को उसके बाद जो है, ये लिखने के बाद जो है, जो आपको पांच पांच इसके उदाहरण आपको लिखने हैं वो लिखना है, ठीक है। कल हम अगले वीडियो या लाइव क्लास में अगले चैप्टर के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।